आगामी 10 नवंबर से 19 नवंबर तक वृंदावन के कुंभ मेला स्थल पर ब्रजरज उत्सव का आयोजन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन सीएम योगी द्वारा बुधवार को किया जाएगा। इसी की तैयारियों को लेकर सोमवार को मथुरा की सांसद हेमा मालिनी और उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अधिकारियों के साथ बैठक कर उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए। लोकल फॉर वोकल को मजबूत करने के लिए कृष्ण की नगरी वृंदावन में यमुना किनारे कुंभ स्थल पर केंद्र और राज्य सरकार ने वृंदावन के यमुना घाट पर मेले का आयोजन किया। यह मेला 10 तारीख से शुरू होकर 19 तारीख तक चलेगा और इस मेले की खासियत होगी हुनर हाट, मतलब यानी देश के अलग अलग कोने से आए हुए लोग अपनी अपनी कलाओं की प्रस्तुति देंगे, तो वहीं देश के हर हिस्से का रंग यहां देखने को मिलेगा। फिर चाहे वह ब्रज की फेमस चाट हो, रबड़ी हो, या फिर हो गुजरात का या फिर पंजाबी भोजन, देश को जोड़ने की यहाँ एक कोशिश की गई है। इसी के उद्देश्य से करीब 200 स्टॉल यहाँ पर बनाई गई हैं। स्टॉल पर अलग अलग राज्यों के हुनर का प्रदर्शन किया जाएगा। इस कार्यक्रम का उद्घाटन करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 10 तारीख को यहाँ पहुँच रहे हैं, जो कि लगभग 3 घंटे यहाँ रहेंगे। साथ ही साथ इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी के साथ प्रदेश के कई मंत्री यहां मौजूद रहेंगे। लेकिन बॉलीवुड का भी एक दिन का, दो दिन का कार्यक्रम था, लेकिन काफी कलाकार आ नहीं सके, इसके लिए हम बाद में इस कार्यक्रम को रखेंगे। तब आ रहे हैं 10 तारीख को, बट मैं लेकिन वो बहुत बहुत खुशी हो रही है कि वो 10 तारीख को स्टार्टिंग ओपनिंग करेंगे, उनके हाथ से उद्घाटन होगा, उसके बाद शाम को क्लासिकल डांस म्यूजिक सब चलता रहेगा एवरीडे। लेकिन स्पेशल कार्यक्रम जो है वो अनुज जलोटा जी जो भजन सम्राट है उनका है। अगला दिन सुरेश वाडकर कभी आए नहीं यहाँ पे, तो वो बहुत खुशी हो रही है उनको कि वो भी आ रहे हैं। पुनीत इसार जो महाभारत जो यहाँ पे पूरा प्ले करेंगे कविता के, तो वो सब बताया है आपको। देन कैलाश खेर जी हैं, फिर अनु कपूर जो है वो भी है, फिर चेन्नई त्रिचूर ब्रदर्स करके है, वो गंगा के ऊपर उन्होंने बहुत सुंदर गीत गाया है, वो सब आपको सुनाई देगा। तो सारा दिन एवरीडे देर इज सम प्रोग्राम। इसके अलावा हमारे मथुरा के जितने भी कलाकार हैं उनको भी 6 से 1 घंटा रोज मिलेगा, क्योंकि ये ब्रज तीर्थ विकास परिषद जो बहुत अच्छा काम यहाँ पे मथुरा का किया हुआ है, उनके जरिए यहाँ पे एक एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हो रहा है, जो हमारे मिनिस्ट्री नकवी जी के थ्रू हुनर आर्ट एस्टेब्लिश हुआ है। हुनर आर्ट लोग इतने अच्छे अच्छे कार्यक्रम मतलब यहाँ पे एस्टेब्लिश हो रहा है, बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं, आप लोगों को खरीदने को भी मिलेगा, देखने को मिलेगा। देखिए बड़े परम सौभाग्य की बात है कि यहाँ दिव्य और भव्य कुंभ का आयोजन हुआ, और उसके बाद जैसे ब्रजवासियों की और पूज संतों की मनसा थी कि जो ब्रज के अंदर जो कुंभ क्षेत्र है इसको रिजर्व किया जाए, तो लगभग हमने पूरे क्षेत्र को रिजर्व किया है। और इसमें अब आप देखेंगे ब्रज रज उत्सव, तो ब्रज रज उत्सव का शुभारंभ 10 तारीख को आदरणीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों से होगा, उसमें केंद्रीय मंत्री हमारे मुख्तार अब्बास नकवी साहब भी रहेंगे। इसका दिव्य और भव्य आयोजन यह रहेगा, 19 तारीख तक ये कार्यक्रम चलेगा। इसमें मिनी भारत की झलक आप सब लोगों को देखने को मिलेगी। यहाँ लगभग 160 जो क्राफ्ट जो स्टॉल वो भी लगेंगे, और लगभग 40 से 50 जो फूड कोर्ट भी यहाँ रहेंगे। तो पूरे प्रदेश का, हमारे का, अलग अलग जिलों का, पूरे देश का, और ख़ासतौर से ब्रज की चाट पकौड़ी, ब्रज की कचौड़ी जलेबी, और ब्रज की आलू की जलेबी, ब्रज की बेड़ई, ब्रज की रबड़ी, सोन पपड़ी, जो भी हमारे ब्रज की जो हमारी ब्रज की जो खान पान है, वाऊ की छटा आप यहाँ देखने को मिलेगी। तो पूरे देश भर से यहाँ लोग श्रद्धालु आएंगे, भगवान बाकी बिहारी जी के दर्शन भी करेंगे और क्राफ्ट मेले को आनंद भी लेंगे। तो ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो आत्मनिर्भर भारत का जो संकल्प है उसको भी ये हम मेले में जो चरितार्थ कर रहे हैं। तो यहाँ जो खुद से जो अपना काम करते हैं लोग उनको यहाँ स्थान उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे कि उनकी जीविका आगे बढ़े। तो उनका कहना भी यही है कि वोकल फॉर लोकल पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का फोकस भी रहता है। तो एक अलग छटा आपको देखने को मिलेगी यहाँ। ब्रजवासियों की लंबे समय से अपेक्षा थी कि लगातार इस तरह के कार्यक्रम ब्रज में होते रहें। ये ब्रज रजोत्सव पूरे ब्रज में है, जैसे अभी पारसोली गांव में इसका कार्यक्रम हुआ, एक आने वाले समय में हम लोग गिराजी की परिक्रमा में भी
ये कार्यक्रम रहेंगे, बलदेव में भी ये कार्यक्रम रहेगा, नंदगांव बरसाना में भी कार्यक्रम रहेंगे, मथुरा में भी ये कार्यक्रम रहेंगे, अभी हमारे यहाँ परिक्रमा भी शुरू होंगी।